be nice to get a national award now. I mean, I think every actress wants to get a national award for. I don't know what to say. I'm very excited. झट से मैसेज आया आज कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो लाइक मैं आ रही हूँ. विशाल सर लाइक आ जाओ जल्दी से. सो वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग नाउ 5 नेशनल अवार्ड्स. बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है. एंड डेफिनेटली डेफिनेटली ये पता है कि वेरी वेल डिजर्व्ड है. सही. इट्स गुड नो. But they should start working too much now. It'll be nice to get a national award now. I mean, I think every actress wants to get a national award for one of her films in her lifetime. So yeah, fingers crossed. Hope that happens. आपके parents ने आज क्या कहा आपको? मैंने dad से कहा कि मुझे झट से तैयार होके celebration party के लिए जाना है. 5 अवार्ड्स हम जीत चुके हैं हैदर के लिए. तो मेरे डैड ने बोला जल्दी जल्दी जाओ और बिग कंग्रेचुलेशंस. मॉम भी बहुत एक्साइटेड है. तो बस फट से आगे सेलिब्रेट करने. आई थिंक कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म. फिंगर्स क्रॉस कि ऐसे और मौके मिलते रहे. विल बी नाइस. डेफिनेटली मैं फ्रैंकली ज़्यादा क्रिकेट नहीं फॉलो करती, लेकिन यही कहूँगी कि कप हमारा ही रहना चाहिए. बहुत अच्छा लगेगा. भाई मेरा अगर बस चलता, अगर मैं जूरी होता तो मैं सारे के सारे अवार्ड हैदर को देता, क्योंकि 2014 साल की मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन फिल्म हैदर थी. और 5 अवार्ड्स मेरे हिसाब से कम है. जितने अवार्ड्स आप इस फिल्म को दो वो कम है, क्योंकि ऐसी करेजियस ऐसी साहसपूर्ण फिल्म हमारे देश में बहुत कम बनती है. लेकिन कहीं ना कहीं सर, यू नो, फिल्म की रिलीज होने के बाद ट्विटर पे एक ट्रेंड चल चुका था. दो ट्रेंड, एक था बॉयकॉट हैदर और एक था सपोर्ट हैदर. उसके बावजूद इतने सारे अवार्ड मिल जाना, नहीं, वो ट्विटर के ट्रेंड्स को अगर नेशनल अवार्ड्स फॉलो करने लगे तो मतलब सिनेमा का क्या होगा. तो आपको नहीं लगता कि सेंसिटिव फिल्मों का जमाना हैदर पे इतने अवार्ड मिलने वाले हैं? नहीं, हम वो हमेशा सेंसिटिविटी हमने खो दी थी. उन फिल्मों का ज़माना कभी ख़त्म हुआ नहीं है और कभी ख़त्म हो नहीं सकता. बात करें अगर बॉलीवुड का, देख सकते हैं दबदबा नेशनल अवार्ड में ऑफ लेट काफ़ी उभर कर रहे, तो साउथ की फिल्में डोमिनेट करती थी. सो डू यू थिंक बॉलीवुड नाउ इज मोर कॉम्पिटिटिव एट द नेशनल लेवल? आई थिंक सो. आई मीन वी आर हम बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं. 2012 से मेरे हिसाब से ये ट्रेंड शुरू हुआ, जब से शिप ऑफ फीजर्स, लंच बॉक्स, मेरी अपनी फिल्म थी शाहिद, और ऐसी कई फिल्में बनी, रिलीज़ हुई, सक्सेसफुल भी हुई और उनको काफ़ी अवार्ड से सराहा गया. एक्टर्स हैं इरफान, राजकुमार, मनोज बाजपेयी जैसे, जिन्होंने ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया. और अब हैदर एक मिसाल है अपने आप में, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम स्टार्स जैसे शाहिद है, श्रद्धा कपूर है, तब्बू है, के मेनन है, इन लोगों ने उसमें काम करके इस फिल्म को एक मास मूवमेंट बना दिया. इन फ्यूचर कैन वी सी अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ हंसल मेहता एंड विशाल भारद्वाज कमिंग टुगेदर? वो अगर उनके पास, अगर विशाल के पास वक्त हुआ तो मतलब मेरे लिए वो म्यूज़िक कर ले बस. कोई अच्छा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि करता हूँ.
पिछले साल सिटी लाइट्स बनाई थी, वो एडेप्टेशन ही थी एक ब्रिटिश फिल्म की। तो सेमीफाइनल लीग से आपके क्वेश्चन, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच चुकी है, क्या अभी क्रिकेट पे पहुंच गए आप? एक शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं बस, हमारी शुभकामनाएं हमेशा भारतीय टीम के साथ है और मुझे लग रहा है कि भाई फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे। अंदर जाकर आप कितना एंजॉय करने वाले, क्या करने वाले हो जरा बता दीजिए। मैं मतलब ऑलरेडी काफ़ी एंजॉय कर चुका हूँ, मैं मेरी अर्ली मॉर्निंग शूट है, मुझे निकलना है। सर वापस से अलीगढ़ के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ है, अलीगढ़ के बारे में मतलब किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू। As a producer, how proud are you? Very, very proud. I think it's always so tremendous when a film gets recognized in so many different categories of filmmaking. And of course, the national awards are always so special. And, you know, for the whole team of Heather, this has been a true labor of love. We fought against all the odds to put this movie out there in as commercial a manner as possible. And first for the audiences to love the film as much as they have, and then to be recognized by the most prestigious award in the country is really great. So, thrilled. Film jab release hui thi tab usse kaafi acha response mila tha, there were many oppositions for the film, but today when the film gets national award, what is your take on it? You know, I think it comes with the territory for us filmmakers today, where a film will release and some people will be thrilled with it and some people won't be. I think that's fine, and I think we take it in our stride. Thank you so much.